स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट 3, -2 इज इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन √3x + y = 1. इफ एल ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस देन द इक्वेशन ऑफ एल इज, एल का इक्वेशन बताना ये चारों से कौन सा ऑप्शन होगा. सपोज कि वो जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वो ये लाइन है जिसका इक्वेशन है √3x + y = 1 और एक पॉइंट पी दे दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -2. पी से एक लाइन पास हो रहा है जो उस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा और दोनों के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री. चलो मान लेते हैं कि ये लाइन पास हुआ है जो दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री. तो ये जो लाइन है इसका स्लोप कितने दे दिया है, इसका स्लोप है -√3, इसका स्लोप हम लोग एम मान लेते हैं. और टैन थीटा इक्वल टू होता है ना m2 - m1/1 + m1 m2, वो करते हैं तो m2 हो जाएगा m -√3 + √3, तो m1 - m2 / 1 + m (-√3) होगा, ठीक है. और टेन 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ प्लस माइनस साइन से ओपन होगा, तो प्लस माइनस यहाँ होगा m+√3/1 - √3m. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब प्लस साइन लेंगे, प्लस साइन जब लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 - 3m = m+√3, और जब माइनस साइन लेंगे तो √3 - 3m = -m - √3. ये होगा, इससे कितना वैल्यू आ जाएगा, 4m = 0, तो m का वैल्यू आ जाएगा 0. और यहाँ से देखो, यहाँ से ये इधर जाएगा तो 2m = √3, तो m का वैल्यू आ जाएगा √3. m का दो वैल्यू आया. अब देखो m का वैल्यू 0 मतलब स्लोप 0, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा. उस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होगा, देखो इक्वेशंस ऑफ लाइन l, एल का इक्वेशन लिख रहे हैं. एक तो 3, -2 से पास हो रहा है, एक अगर स्लोप रखेंगे m = 0, स्लोप रखेंगे m = 0, तो इक्वेशन कितना आएगा, m = 0 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होता है y = constant, तो y = आ गया -2. ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो ये लाइन मेरा आंसर नहीं होगा. अब देखो m का वैल्यू अगर √3 रखेंगे तो इक्वेशन कितना आएगा, y + 2 = √3x - 3, तो √3x - y और -3√3 - 2 = 0. ये लाइन x को कट करेगा तो ये मेरा आंसर होगा. अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, √3x - y, √3x - y. अच्छा तो यहाँ पे x को कोऑर्डिनेट को अगर हम नेगेटिव उधर ले जाते हैं उधर, तो देखो ये कितना होगा, y - √3x + 2 + 3√3 = 0 हो जाएगा, ठीक है. तो y - √3x + 2 + 3√3 + 2 + 3√3, ये वाला ऑप्शन, मतलब यहाँ पे देखो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा. ओके.